करता हूँ। हे गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ। और अभी आज के ब्लॉग में फिर से मैं बाहर आ चुका हूँ। आज के ब्लॉग में एक्चुअली अभी हम लेमन ग्रास का तलाश कर रहे हैं, और अभी जो नर्सरी में मैं आया हूँ, अभी तक तो इतना शानदार नर्सरी मैंने नहीं देखा था। अभी मैं आपको भी दिखाता हूँ। साथ में आज ब्लॉग में है गौतम, जिवितेश और सिद्धार्थ। तो अभी मैं शो करता हूँ इस नर्सरी को, और सही में बहुत बड़ा नर्सरी है भाई का। शानदार नर्सरी आपने नहीं देखा होगा। जैसे देख लो, ये पूरा का पूरा प्लांट लगाया हुआ है यहाँ पे, इस तरीके का आप देख सकते हो, कितना शानदार है। और जगह जगह पे आपको हर एक वैरायटी, जैसे सेव अ ट्री इट डोंट चार्ज अ फ्री। यहाँ पे फिर कुछ, अब भी हम लोग यहाँ लेमन ग्रास लेने आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ फैला हुआ है यार। ये कौन सा पेड़ है भाई? नहीं भाई, ये नेचुरल है। वाइट, पूरा का पूरा वाइट लीफ है। हाँ, वाइट लीफ है। यह आधा से ज्यादा पेड़ है, इतना ज्यादा पेड़ है कि आधा से ज्यादा तो हमको पता ही नहीं है कि कौन सा पेड़ है भाई। ये क्या? अरे यार, बीच में फल है। मौसमी है क्या? कुछ ज्यादा ही बड़ा मौसमी नहीं भाई, देखने से तो ये मुझे मौसमी टाइप का ही लग रहा है। ये क्या है? जैसे आप देख सकते हो ना किस तरीके का बिया है, लेकिन ये किस चीज का पेड़ है भाई? अरे सुनो ना, हम लोग क्या छोटा नहीं बोलते। अरे जानते हो, इतना में कोई आइडिया। हाँ, नींबू टाइप का। हाँ, नींबू ही है भाई, लेकिन ऑरेंज वाला, ऑरेंज वाला नारंगी इसको बोलते हैं। चलो उधर पूछते हैं लेमन ग्रास के बारे में। और लास्ट में भी है, पूरा का पूरा फैला हुआ है यहाँ से लेके और आगे में पूरा दूर दूर तक है। और गौतम को चाहिए अभी लेमन ग्रास। अब यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है, और ये जिवितेश महोदया, महोदया महोदय तो नहीं है, महोदया ही है। यो क्या हंसी है? ओहो, जिवितेश गिर गया, उठाओ। हंस क्यों रहा है यार? ब्लॉग में नहीं, ब्लॉग में नहीं, ब्लॉग में ही, ब्लॉग में ही। और ये पूरे रास्ते में आप देख सकते हो इस तरीके का नाद टाइप का बनाया हुआ है। हाँ, इसमें कमल उग सकता है, देख रहे हो? अरेंजमेंट देख रहा है भाई, भाई देखना कितना खूबसूरत। ये कैक्टस है भाई, क्या है? नहीं, कैक्टस नहीं है। क्या है ये? बड़ा मस्त, एकदम छोटा। हाँ, ये पूरा कैक्टस की वैरायटी है, गारंटी। ये कैक्टस वैरायटी है, देख रहे हो? वैरायटी नहीं, खानदान है। ये कैक्टस है भाई, यार नहीं, मजाक नहीं, सही में कैक्टस है। ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो, यहाँ भी कैक्टस है। ये सारे के सारे कैक्टस है, इस तरीके के कैक्टस मैं पहली बार देख रहा हूँ। कैक्टस है भाई? हाँ, कैक्टस है। इसमें देख रहे हो कांटा है ऊपर में, बड़ा होगा तो ये पूरा का पूरा कैक्टस ही होगा। इसका कांटा तो गजबे है। और ये देखो, ये साइड में कैक्टस है, ये भी कैक्टस, ये भी कैक्टस, ये भी कैक्टस। भाई देख रहे हो कैक्टस का वैरायटी, यहाँ आप देख लो, ये सारा कैक्टस है। आपको हर एक तरीके के वैरायटीज यहाँ देखने को मिलेंगे, मतलब कि ये काफ़ी सॉफ्ट है यार, बहुत मस्त मस्त कैक्टस है। नीचे में यहाँ आपको गुलाब का वैरायटी देखने को मिलेगा। गाइज, अभी जस्ट हमारी गाड़ी जो है 11 नंबर की घूमते घूमते हल्दीराम में आके रुकी है। हल्दीराम है या हरीलाल है, हम कन्फ्यूज। ओके, हरीलाल, तो हरीलाल में आके रुकी है। और फिलहाल ये सारे लोग फ़ोन में क्या कर रहे हो भाई? व्हाट्सएप। और वो बंदा क्या कर रहा है? न्यूज़। फाइनली वहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑर्डर जो है वो फिलअप होने वाला है, फुल हो गया है, और अभी जस्ट आ रहा है। फिलहाल एक ऑर्डर जो है यहाँ पे आ चुका है, और काफ़ी शानदार है। ये फ़ोटो लेके वहाँ से हमको दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये मुझे अपने मन में सोच रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है, सामने मतलब रख के और ये वीडियो बना रहा है, और इसको खाने का मन है। ये जीवितेश, जीवितेश नहीं, इसमें नहीं रही, अब इसमें आ गया। और ये मेरा आ गया। ओए होए, यही मतलब एकदम ठंडे के दिन में ठंडा ना लगे, इसलिए प्याज पूरा कपड़ा पहने हुए है। अच्छा, और ठंडा प्याज और साथ में ठंडा है भाई, फ्रिज में से निकाला है, फ्रोजन, डीप फ्रोजन, फ्रोजन फ्रोजन है पूरा का पूरा। तो ये देख सकते हो कि हमारा तीन, हम तीन, ये मेरा फेवरेट है, इसीलिए तो यही, इसी के लिए तो आए हैं। स्पेशल अचार के लिए, ऑब्वियसली अचार उसके लिए है, उसको अचार नहीं मिला है। हाँ, इसमें नींबू मिला, ये नींबू चाटेगा और मैं अचार खाऊंगा। आजकल वैसे तुम्हारा मन नहीं कर रहा। ओके, तो
ऑर्डर हुआ था यहाँ पे छोला भटूरा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे दो छोला साथ में एक भटूरा के ऊपर ये सजाया हुआ हरा मिर्च और अचार और कपड़ा पहनाया हुआ प्याज। अंदर जा रहे, चल फिर मिलते हैं, ठीक है? हाँ बाय। ओके बाय। वो चले गए और अभी दो बंदे और एक मैं बचा हुआ हूँ। और अभी जब मैंने मंगाया था ये चीज़ तो छोला भटूरा में छोला कटे से एकदम बकवास है, बकवास से लगती। Shining a light on the dark.